गुस्सा चढ़ रहा है मुझे कुछ एक लोगों को देख के, कुछ एक ही है वो, अगर मैं वो एक मुझे फ्राइडे का फास्ट है मेरा जैसा कि आपको पता है, तो आज नॉर्मल ऐसा ही चलेगा और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तोरी बना चुकी हूँ बच्चों के लिए आलू, मतलब फिक्स मेन्यू रहता है जैसा कि आपको पता है। और आज के लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज सोची हुई है, और सैटरडे संडे भी ना आपको जैसा कि बताया था शौर्य ने जाना है महाबहस के लिए, तो कुछ स्पेशल सोचा हुआ था, देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बने रहिए ब्लॉग को, देखते रहिए और जो जो करेंगे बताएंगे आपको। ये देखो क्रेजी फैमिली क्या चल रहा है, ये ना मैं एग्जाम्स मार्क कर रही हूं, इनके एग्जाम्स या मैथ्स है, फिर पैट है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, ये सारे मार्क करती हूँ, फिर उनको क्रॉस कर देती हूँ जब हो जाता है ना, तो ये सारे फास्ट मैंने मार्क कर लिए, क्योंकि मंडे के फास्ट भी है, मंडे के भी हमने 16 रखने हैं, तो मैं देख रही थी कब खत्म होंगे, तो ये कौन कौन करता है, मैं तो करती हूँ। मेरी तो पता है, इनफैक्ट जब शादी की डेट निकली थी ना कुना, तो मैंने लास्ट के 2-3 महीने थे ना उसको मैं क्रॉस लगाती थी, और अकेले में किसी को नहीं बता के, इनको पता था बस, मैं कि दिन पास आ रहा है, कि दिन पास आ रहा है, ये होती है एक्साइटमेंट। शौर्य के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो यहाँ तैयारी हो रही है, आज डॉली भाभी बना रही है वो मेरे वाले छोले भटूरे, तो मैं कह रही हूँ बना लियो क्लिप, और मम्मा कह रही थी कि कल एक बार टेस्ट के लिए जरूर भिजवाएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे को हम नहीं खा सकते ना, हाँ। तो कल और आज क्लिप बनाना की और टेस्ट टेस्ट देना, वहाँ उनके सामने तो स्कूल के नहीं दे पाएगा, यहाँ के। लेकिन मैं रोटी के साथ कैसा टेस्ट टेस्ट दे पाऊँ, छोले तो पता चलते ही है, चलो ठीक, वहाँ डरियो मत, नहीं तो यहाँ के बता दूँ, कोई नहीं उसी टाइम बता दूँ मुझे, तो आज क्लिप बने, क्लिप बनेगी वहाँ से, चलो। कौन आ गया है, कैसा रहा दिन, कल महाबहस, ये क्या लाया, टिफिन कहाँ से आया ये, अच्छा मोहित भैया ने दिया होगा, नहीं तो कैसा, और क्या आलू परांठी, और क्या, और कल सुबह कितने बजे जाना है स्कूल में, पता नहीं, पता रात को आऊंगा लेट, पता मुझे वहाँ आ गया 7 o'clock, तो वहाँ से नोएडा से 7 o'clock आना मतलब समझते हो, 9 तक चोरू में कैसे रहूंगी कल, पता ब्लॉग भी नहीं बनेगा तेरे चक्कर में, परसों तो कोई चैलेंज कर लेंगे ना, लेट नाइट देख लेंगे कल, तो कल मैं सोचू सिर्फ मीशो वाला ही कर लूँ मैं अपने वाला, आप तो हो गए नहीं तो कुछ मजा ही नहीं आएगा कल, तो क्रेजी फैम कल आप इसको मिस करने वाले हो, कल और परसों, नहीं परसों तो मैं देखूंगी, अगर लेट नाइट कुछ कर पाए तो देखते हैं। शौरू को मिल चुके हैं उसके यमी आलू के परांठे, है ना, बड़ी तो परांठी है, आ ले मेरा बच्चा, अच्छा दूसरी प्लेट में दे देते ना, खा के बता, आए मेरा बेटा, आज इसके अब स्कूल में फ्रेंड्स क्या क्या लाए हुए थे बता क्रेजी फैम को, और मेरे बच्चे ने खाया नहीं, और क्रेजी फैम इसलिए नहीं खाया क्योंकि फ्राइडे वाले फास्ट में हम किसी और के घर का खा नहीं सकते, ये रीज़न है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि किसी के घर का नहीं खाना, तो फिर बच्चे वही बात है, प्याज लहसुन भी नहीं देती, इनको भी नहीं देती मैं, मुक्ति भी नहीं खाती यहाँ तक की। क्रेजी फैम ये छोले बन गए हैं, अब टेस्ट बता दो सेम है या नहीं, डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। कुणाल आ चुका है लंच करके, जबरदस्त छोले खा के जो मम्मा ने बनाए आज मेरी रेसिपी देख के, कैसे थे बेटा, बहुत डिफरेंट, डिफरेंस था क्या मतलब, उन्होंने, मैं कह रही हूँ कुकर में सीटी लगवाई की 100% पता नहीं, मैं मान ही नहीं सकती, सुबह वो बन ही नहीं सकते, उबाले भी सुबह, बना भी सुबह लिए, पता नहीं, नहीं बेटा नहीं, डिफरेंट था टेस्ट, अच्छा डिफरेंट मतलब क्या, तेरी शक्ल से बिल्कुल काफी डिफरेंट था, मतलब ये नहीं था कि खाई नहीं जा सकती, लेकिन डिफरेंट था, कुछ बोलना चाह रहे, मैं एक चीज बताती हूँ, इन छोलों को जो भी ट्राई करना चाहता है ना उसके लिए पेशेंस नंबर 1 है, 3 घंटे उन छोलों को लगते हैं बॉईल करने में, उसको उसके लिए कोई बॉईल ठीक थे, शॉर्टकट नहीं, मैं बता रही हूँ उसमें टेस्ट ही हुआ है, कई लोग सोचते हैं कुकर की सीटी लगा के मसाला डाल दो तो टेस्ट ही नहीं आएगा, उसमें जो मीठे सोडे का एक एक्यूरेट वो होता है ना टेस्ट, वो चाहिए, उबलेंगे वो सिम गैस पे, उबलने की मेहनत है, वो जो नहीं करेगा वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, और ऑयल जब तड़का लगाते हो तो खुला ऑयल चाहिए उसके अंदर, तो उनमें अब मैं पूछूंगी बात करके, और कल लाएगा ना मेरे लिए, आज तो मैं खा नहीं सकती, कल टेस्ट करके बताती हूँ उसमें कमी क्या थी, ठीक है ना, तो ठीक है ना यार, अपनी गलतियों से ही, पहली बार मेरे भी कोई इतने बढ़िया थोड़ी बने थे, वो तो धीरे धीरे करके अब मैं प्रो हो गई हूँ, अब तो जो बंदा मसाला भेजा उससे भी बढ़िया मेरे बनते हैं, ठीक है समरिया जीते बैडमिंटन में, हारे आप बैडमिंटन में,
खा रहे एक एक जीती एक खा रही भी खा रही आलू दी परांठी इसमें तो सिर्फ नमक वाली परांठी खाती है मतलब देख लो आपको चली बच्चा कह रहा है सिर्फ दाल बना ये तो फ्रेंच फ्राइज कह रही है फ्रेंच फ्राइज सैटरडे संडे है ना फिर कुछ अच्छा बनेगा तब मैंने कुछ सोचा हुआ तुम्हारे लिए सैटरडे संडे तो देखते हैं वो तो हाँ। और ये देखो बिग बॉस फीवर नहीं रुक रहा है बिल्कुल भी पूरे टाइम बिग बॉस चल रहा है फुकरा इंसान की वजह से है सिर्फ ये गुस्सा चढ़ रहा है मुझे कुछ एक लोगों को देख के कुछ एक ही है वो अगर मैं मुझे लग रहा है लोग समझा नहीं पा रहे मैं होती तो गेस करना अरे ऐसे आपको लगता है दूर से गेस करना मैं किसको समझाना चाह रही हूँ पोलाइटली गुस्से में मैं होती तो मेरा तो बीपी आई पोलाइटली मेरा ही था लेकिन कोई बात नहीं झूठ बोल रहा है गारंटी दे सकता हूँ मेरा आइडिया है ये तो गारंटी दे सकता हूँ इसमें तो फिर आप ही कर लो आपका आइडिया और कल पता है कल वो नहीं होगा ना सॉरी नहीं होगा तो कल मैं वो मीशो कॉल करने वाली हूँ okay. ठीक है कम्युनिटी में पोस्ट डालेंगे जो जो जितना मैक्सिमम लेडीज और जो जो मैंने शॉपिंग की हुई है ना वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और ये मैंने मीशो से शॉपिंग मैंने की है इसे एक साल के अंदर ही जब मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू की yes. तो कल की बदौलत है वो कल आने वाला है मीशो हॉल क्योंकि कल सॉरी नहीं होगा तो इसलिए वही करना ढेर सारा प्यार दीजिएगा उसको और उसको मिलना भी चाहिए और yes. मैं जो जेन्युइनली उसमें बोलूंगी जो अच्छा है वो अच्छा ही बोलूंगी yes. क्रेजी का पूजा हो चुकी है अब खाने बैठी हूँ तोरी के साथ खा रही हूँ रोटी ये वाला चार जो मिर्ची वाला बनाती हूँ नींबू वाली मिर्ची वो बना कर दी है रायता है और सैलड है खा लेती हूँ बहुत भूख लगी है मिस्टर मैन भी लेट हो गया आज और साथ में मम्मा देख रही हैं बिग बॉस लाइव पूजा हो चुकी है तो बस खा लूँ फिर मिलती हूँ आपसे देखो हो गई है शाम अब हम रोज शाम हमारी होगी इस माइक के साथ ये चलता कैसे लॉन्ग प्रेस करना होगा हमें नहीं पता हमें मतलब चलो हो गया हेलो हेलो अब हेलो हेलो आइए सारे आ जाइए क्रेजी फैम के जो पार्ट अपने आप को समझते हैं आ जाइए बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं सर जा चुके हैं सना की पढ़ाई हो चुकी है सना का मंडे को मैथ्स का पेपर है सॉरी कल और परसों अवेलेबल नहीं होगा क्रेजी फैम चलो अब कर रहे हैं हम सना एक छोड़ दिया किसी को भी नहीं पता होता खासकर खाना गूगल पे सर्च करते हैं कि इसको हाउ टू विन लेकिन इसको बता भी देते हैं ये इस बार खतरों के खिलाड़ी में किसने किया था फोन पे चीटिंग की थी फोन पे हाउ टू फीड किसको था वो उसने किया था हाउ टू फीड है ऑस्ट्रिच नहीं मेरे को नहीं हां हुआ था चीटिंग हुई थी वो सबने वो उसकी मैं कल महाबेस पे आ रहा हूं मैंने उसके लिए भी सर्च नहीं की है चलो तो चलो अब हम करने वाले हैं क्या अपने मुंह से आपने कोई भी म्यूजिक बजाना है सना प्लीज आपने अपने मुंह से कोई भी म्यूजिक बजाना है और उससे आपको बाकी सब कॉपी करेंगे देखते हैं कौन बेस्ट कॉपी कर पाते हैं चलो ठीक है अपना अपना म्यूजिक है मेरे को तो सबसे पहले कौन है और उसके पीछे की कहानी मैं तो बताऊंगी प्लीज चलो फिर पहले आप भी शुरू करो मेरा ये वाला जो पीस गाती हूँ ना मैं ये बड़ा क्यूट है इसके पीछे की कहानी मैं जब भी सना छोटी थी ना जब भी मैं ये म्यूजिक मुंह से बजाती थी ये कुछ भी कर रहा हो बच्चा तो ये ना एक बार सना पकड़ो ये कहीं भी ये म्यूजिक बज रहा है तो ये नहीं ऐसे ऐसे चलो अब वो फिर ट्यून बजा के दिखाओ फिर हम कॉपी करेंगे चलो चलो इस म्यूजिक से मेरी चलो यादें जुड़ी हुई हैं चलो बस 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 अब कॉपी करेंगे सब एक एक बार गलत 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 आप वो करोगे पास नहीं चलो क्लोज क्लोज यार टैलेंट का हब है तू तो कैसे मम्मी को भी बुलाओ मम्मी को बुलाओ मम्मी आओ मम्मी एक ना ये म्यूजिक है ये आपको ये कॉपी करना बैठो एक बंद कर दे तो ऑन लगी हुई है चलो अब दादी जो मैं जैसी बजा रही हूँ ट्राई करनी है सब कॉपी करेंगे इसको ठीक है कर चुके हैं मतलब आप हाँ ये लोग कर चुके हैं आप मम्मी की बारी रहती है चलो आपको ये कॉपी करना है ठीक है ऐसे सब ट्राई कर
आती है कुणाल जी की, चलो और मैं बिल्कुल कॉपी करती हूँ मेरी इसमें तो मम्मी सुनना ध्यान से वो क्या गा रहा है, वो हमें फिर माइक पे गाना है सिंपल नहीं ये तो सिंपल है पहले कौन ट्राई करेगा ये तो सिंपल था यार बिहार के ये भी कर सकता ठीक है दही आवाज आपकी मेरी आ जाएगी हट सना भी कैमरे के बीच से ट्राई करेंगे बाहर निकालो सना ऐसे ही निकाल लो इसकी सुरीली निकलती है ना तो ये करनी इसकी कोई बात नहीं इसका शॉरी की टर्न है सबसे बढ़िया मम्मी करती है और जीत लेकिन मैं ही रहा हूँ अभी तक चाची की भी मैंने पूरी करी चल अभी मैं अभी करती हूँ ये बच गई नहीं ये प्रैक्टिस ये प्रैक्टिस मम्मी सुनना पहले मैं मम्मी से क्या इजी दे दिया फोकस फोकस ये सही सुपर स्टार है दादू तेज ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ मुझे सॉरी का सच पता चल गया है ये कहीं भी कंपटीशन पे जाता है ना माइंड ऑफ कर लिए देख लो इसे तो इसको मैं ये ट्राई करना पास्ता बना के देती हूँ मुझे लग रहा है इस पास्ता के चक्कर में बच्चा 6:30 बजे उठ रहा है कुछ नहीं सच है नहीं और इसको ये देखो खाने की तैयारी पूरी हो चुकी है वहाँ कुछ करे तो सुबह जाएगा आपको मैंने कहा अभी बता दूँ एक बार और बोलूंगी तो इसको ना सब काट देगा वो मैं बार बार रिपीट करती हूँ और रोटी खिलाती हूँ इसको आलू की तरह रिपीट कर रहा है सना खाएगी दाल राइस और मम्मी भी दाल रोटी सना बहुत अच्छी बच्ची है वो दाल खाती है बाकी हाँ दाल तो अच्छी होती है वही तो और बाकी कुछ लोग होते हैं मम्मी भेजो ना एक हफ्ता भेजो इसको एक हफ्ता भेजो दाल खा के ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कोई सेंस है इस बात की राइस का पहला बच्चा जो खुश होके खाता है दाल राइस ये देखो बिग बॉस स्टार्ट हो गया है और ये देखो ऐसे स्टार्ट होती है हम भी इधर डांस करते हैं और बिग बॉस में भी सब एक तो दिल छोड़ता आया सारे बिग बॉस के फैन है किसी का बिग बॉस ओटीटी शुरू हो गया और इसको मैं बैस की प्रैक्टिस करवा रही थी बच्चे का कॉम्पिटिशन चाची हार गई जी और मैं हार गई क्योंकि हाँ क्योंकि बहस में इससे आप ही जीत चलो टिप्पणी दीजिए अब बिग बॉस के ऊपर आज की अभी तो देखना शुरू किया अब क्या दूंगी इसमें ना अभी तो मेरे दिमाग से तो मैं दूसरी से ओवरकम नहीं कर पा रही अब आज देख के कल करूंगी ना आज मैंने 24 आवर वाला नहीं देखा आज ये होने वाला है वो शौर्य बताएगा आपको उसके ऊपर टिप्पणी आज रैंकिंग का टास्क उन्होंने सब फुकरा इंसान को मिली थी वो अपने आप को क्या रैंक देगा उसने बोला नंबर वन उसने क्लियर बोला और पूजा भट्ट ने बोला पूजा भट्ट जी ने बोला कि वो अपने आप को रैंक संस्कार वो पूजा भट्ट ने बोला कि वो अपने आप इनकी परवरिश बहुत अच्छी है अगर मेरे हिसाब से पूछे नंबर वन फुकरा इंसान सेकंड मनीषा नहीं मेरे लिए सेकंड पूजा भट्ट जी ही है सबसे नीचे हाँ नहीं नहीं मेरे लिए बेबी का सबसे नीचे मेरे लिए मेरा बोलना सुनो अभिषेक मनीषा पूजा भट्टी फलक उसके बाद जाद और साइरस जी को मैं कहीं काउंट ही नहीं कर पा रही अविनाश जी को अविनाश जी मुझे पसंद नहीं है वो बहुत हाइपर हो जाते हैं यार हाइपर एंग्री यंग मैन देखे मैंने बट ऐसे नहीं चलो हाँ तो अब देखते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं बहुत मजा आया पीस 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 पीस